Hi there, KP fam. Welcome back to my channel, guys. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्विस ब्यूटी का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल जो आप फेस्टिव सीजन में बहुत इजीली वेयर कर सकते हो. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये रियल मेकअप बेस जो बहुत ही अच्छे से ना प्राइमर का भी वर्क कर देता है और ना इल्यूमिनेटर का भी वर्क करता है बिकॉज इसके अंदर शाइनी पार्टिकल्स हैं. आई विल नॉट से कि फाउंडेशन में मिक्स करके इसको लगाना, आप इसको पहले एज अ बेस लगा सकते हो क्योंकि ना इसके अंदर थोड़े बहुत चंकी पार्टिकल्स हैं जो फाउंडेशन में मिक्स करने के बाद ना हल्के बहुत विजिबल होते हैं. ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से पूरे के पूरे अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी. यह ना आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है प्राइम और इल्यूमिनेट करने के साथ साथ. सो यहाँ पे हमारा अच्छे से प्राइमर और इल्यूमिनेशन हो चुका है. फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी की बीबी फाउंडेशन. इट्स बेसिकली अ बीबी क्रीम एंड फाउंडेशन, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आपको मिक्स मिल जाती हैं. ठीक है, बट ना इसमें मुझे ऐसा लगा था कि शेड मेरा बहुत ही ज़्यादा मैंने गलत ऑर्डर कर लिया था, बट लेट्स जस्ट सी ये ब्लेंड होने के बाद कैसा लगता है. मैंने यहाँ पे एक फ्लैट टॉप कबूकी ब्रश यूज़ किया था टू ब्लेंड इट आउट, बट द थिंग आई नोटिस इज ना कि इसको ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. अगर आप अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करोगे ना तो ये ज़्यादा ईजिली ब्लेंड हो जाएगा. तो अच्छे से मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही थी, बट आई वॉज सीन कि ना ब्रश के स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा विजिबल रह रहे थे. अभी आपको इतना नहीं होगा, बट जैसे मैं दूसरी साइड ब्लेंड करूँगी ना यू विल सी बहुत सारे ब्रश के स्ट्रोक्स जो हैं वो धीरे धीरे रह जाएंगे. तो अगर आप चाहो तो आप इसको या तो फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर लेके डैब आउट कर सकते हो फिंगरप्रिंट्स आपके, या फिर ब्रश से पहले एक बार आप फटाफट ब्लेंड कर लो एंड देन बाद में ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो. क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही ब्यूटी ब्लेंडर से कर दोगे ना तो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है ना वो ब्यूटी ब्लेंडर ही सोक कर देगा और आपको हार्डली कोई पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी. तो जैसे कि मैंने कहा था मैं पहले ब्रश यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डैम्प ब्लेंडर ले लिया था जिसकी हेल्प से जितने भी मुझे ब्रश के स्ट्रोक्स विजिबल हो रहे थे ना मैं सारे के सारे रिमूव कर दूंगी. आई नो ये अभी बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है, कोई कवरेज भी ज्यादा नहीं है इस फाउंडेशन की, लेकिन हम यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर अभी यूज करेंगे एंड यू गाइस नो स्विस ब्यूटी का कंसीलर कितना कितना ज्यादा अमेजिंग है. कंसीलर में मेरा शेड 03 है विच इज बेसिकली वन शेड लाइटर देन माई स्किन टोन जो बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है एंड ये देखना एकदम लाइक लिटरली 0 से 100 पहुँचा देगा मेरा मेकअप बेस. तो ना मैं इसको अपनी अंडर आइज पर, आईलेट्स पर एंड जहाँ जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक्ने स्पॉट्स हैं, मार्क्स हैं जो विजिबल हो सकते हैं क्योंकि फाउंडेशन ने ज़्यादा कवरेज नहीं दी थी, बहुत शीयर टू मीडियम कवरेज वो देता है, तो मैं उन जगह पर एप्लीकेशन कर लूँगी एंड देन मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर ब्रश. अगेन मैंने यहाँ पर ब्लेंडर इसलिए यूज़ नहीं किया बिकॉज ब्रश की हेल्प से ना आपको मैक्सिमम पिगमेंटेशन मिल पाती है. दैट इज़ वाई आई प्रेफर यूजिंग अ ब्रश जब मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए होती है कंसीलर की हेल्प से. ठीक है, तो इसको मैं धीरे धीरे करके अच्छे से ब्लेंड आउट करती जाऊंगी, बट अगेन मेक श्योर जब भी आप एक ब्रश यूज कर रहे हो आप उसके बाद एक ब्लेंडर भी यूज कर रहे हो बिकॉज ब्रश के स्ट्रोक्स रह जाते हैं कहीं ना कहीं हम कितनी भी अच्छे से ब्लेंड कर लें. तो एक बार जब हम बाद में ब्लेंडर यूज कर लेते हैं ना उससे क्या होता है कि जितने भी ब्रश के स्ट्रोक्स होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज ये कंसीलर की कवरेज इतनी ज्यादा अमेजिंग है ना, मतलब आप देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तक मेरा मेकअप बेस कैसा लग रहा था, लाइक ऐसा लग रहा था कि भाई किसी नूब ने मेकअप रखा है, फाउंडेशन लगाया है एंड वो ना अच्छे से ब्लेंड हुआ है ना कुछ, बट लिटरली ये कंसीलर इतनी अमेजिंग कवरेज देता है ना, एकदम हाई एंड प्रोडक्ट्स वाली बिल्कुल फुल कवरेज आपको प्रोवाइड कर देता है जिसके रिजल्ट से ना आपका मेकअप बेस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगने लग जाता है. तो मैं अपना कंसीलर जो है वो अच्छे से इसकी हेल्प से ब्लेंड करती जाऊंगी. अगेन ये वाला जो कंसीलर है ना सारे स्किन टाइप वाले इसको बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं एंड या इट ब्लेंड्स आउट वेरी नाइसली टू. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर ले रही हूँ एंड जितने भी ब्रश के थोड़े बहुत स्ट्रोक्स बचे होंगे ना उनको मैं अच्छे से रिमूव कर दूंगी. इवन दो आप अच्छे से अच्छा ब्रश भी ले लो बट मेक श्योर ये वाला स्टेप जरूर फॉलो करना, इससे ना आपका मेकअप लुक जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस हो जाता है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी लगता है. और जैसे कि हमें पता है यार फेस्टिव सीजन में नाइट टाइम में मेकअप करना होता है तो बहुत ना गंदा भी नहीं लगता है. देन यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये ऑन द मूव लिप पैलेट है, इसमें से मैं ये पिंक शेड उठाने वाली हूँ. ठीक है, बिकॉज स्विस ब्यूटी का मेरे पास कोई लिक्विड या क्रीम ब्लश नहीं था एंड एक ब्रश की हेल्प पर लेकर ना मैं इसको अपने चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी बिकॉज इससे ना ऐसा लगता है कि आपकी चीक्स विद इन ग्लो कर रहे हैं. अगर आप चाहो तो सिर्फ इसको इतना करके पाउडर की हेल्प से सेट करके आप अपना बेस खत्म भी कर सकते हो, आपको बहुत अमेजिंग बेस मिल जाता है. बट क्योंकि हम फुल फेस कर रहे हैं तो हम थोड़े से ऑब्वियसली एडिशनल स्टेप्स भी यहाँ पे फॉलो करेंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगेन एक कबूकी ब्रश लिया है जिसकी हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. पाउडर ब्रश मत लेना बिकॉज क्रीम प्रोडक्ट ना पाउडर ब्रशेज की हेल्प से बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं एंड बहुत चांसेस होते हैं कि बहुत केकी और पैची सा भी कई बार ना लगने लग जाता है. तो मैं इसको अपने चीक्स पर अप्लाई करके थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई कर लूँगी सो दैट थोड़ा सा फेस क्यूट क्यूट लगे एंड देन हम इसको जो हमने इतना सारा प्रोडक्ट अप्लाई किया है इसको सेट कर देंगे यूजिंग द स्विस ब्यूटी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. मैं बेसिकली पहले अपनी अंडर आइज को ज़्यादा अच्छे से सेट कर लूँगी एंड आईलेट्स को बिकॉज वहाँ पे हमने कंसीलर ज़्यादा अप्लाई किया था. एक कंसीलर
पाउडर ब्रश या फिर कोई भी छोटे से पाउडर ब्रश को लेके, ठीक है। तो दोनों आईज में आप डिफरेंस देख सकते हो, सेट करते कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, एकदम मैटिफाई कर देता है ये। आईज हमारी सेट हो चुकी है, पूरे बाकी के फेस के लिए मैं एक फ्लफी ब्रश ले लूँगी, बिकॉज छोटे ब्रश से ना बहुत अच्छे से आप फेस को सेट नहीं कर पाते हो, मतलब बार बार आपको बहुत सारा प्रोडक्ट लेना पड़ता है, इसलिए मैं फ्लफी ब्रश ले लेती हूँ। वो ज़्यादा एरिया कवर करता है एंड कहीं पे भी कोई पैचेस वगैरह भी नहीं छोड़ता है। तो मैं अपने पूरे फोरहेड को एंड मेक श्योर आप नेक को भी सेट करो, नेक को कभी आपको भूलना नहीं है। देन मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का चीका बू पैलेट। इसमें आपको ब्रॉन्जर, ब्लश और हाईलाइटर तीनों चीज़ें मिलती है, तो आपका फेस मेकअप ना पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले मैं ब्रॉन्जर पिक कर रही हूँ एंड द शेड ऑफ द ब्रॉन्जर इज सो गुड गाइज, आप खुद देख सकते हो मेरी स्किन टोन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। आपको हमेशा ब्रॉन्जर वहाँ लगाना होता है जहाँ पे आपको नीड है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका फेस यहाँ से आपको पतला दिखाना है। मेरा एक ओवल और चबी फेस है, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, अपने चीक बोन्स को, देन अपनी जॉ लाइन को जहाँ पे थोड़ी सी डबल चिन दिखती है, देन क्योंकि मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है, देन मैं अपने फोरहेड को कर लेती हूँ एंड मेरी नाक भी थोड़ी सी मोटी है तो मैं नोज को भी कर लेती हूँ। बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आपको भी हर जगह पे करना है, जहाँ जहाँ पे आपको नीड लगती है सिर्फ वहाँ पे करना। अब जैसे आप देख रहे हो ब्रश से मैंने लगाया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया, तो आप अपना ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, उसको हल्का हल्का डैप कर देना, एक्सेस प्रोडक्ट वहाँ पे रिमूव हो जाता है। देन सेम पैलेट में से मैंने एक पाउडर ब्रश के ऊपर ब्लश ले लिया था एंड उसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने चीक्स पर बहुत ही अच्छे से। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीची कलर था जो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मेरी ब्लू आउटफिट को, ठीक है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ हाईलाइटर ब्रश हम यहाँ पे हाईलाइटर लगा लेंगे। ये हाईलाइटर बहुत सटल है, आई विल नॉट से बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत चंकी चंकी एंड बहुत बैम बैम वाला हाईलाइटर नहीं है ये, बट इट्स गुड, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मेकअप करने के एक दो घंटे बाद ना हमारे फेस पर थोड़ा ऑयल भी आ जाता है, तो फेस और भी ज़्यादा शाइनी लगने लग जाता है, तो वो ज़्यादा हाईलाइटर लगा लो तो बहुत वियर्ड लगता है। देन ना स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है लस्टर करके, इसमें ना एक्चुअली दो, एक मैट शेड था और तीन शिमर शेड थे, बट नहीं ये जैसे ही नवा नवा आया था मेरे से गिर गया था, तो इसके बाकी के दो शेड ना टूट चुके हैं, बट इट्स ऑल राइट। यहाँ पे एक ना एक पिंक मैट शेड था, ठीक है, बाकी के तीनों जो शेड है ना, लाइट पिंक, डार्क पिंक और सिल्वर, वो तीन शेड जो है वो शिमर में थे। तो मैं ये पिंक शेड उठा गए ना, अपनी पूरी की पूरी सबसे पहले आईलेट पर कलर प्लेस कर रही हूँ, कलर प्लेस कर दिया। अब ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लूँगी, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी ले रखा था उसी से ही मैं अपनी क्रीज में कलर जो है वो ब्लेंड करती जाऊंगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप एक क्लीन ब्रश भी ले सकते हो स्टेप को करने के लिए, बट मैंने यही ब्रश इसलिए लिया बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचा भी होगा तो हमें क्रीज कलर भी मिल जाएगा। लाइक ऐसा हो जाएगा कि लिड पे हमारा डार्क कलर है एंड देन जैसे जैसे क्रीज पे जा रहा है तो वो कलर जो है वो लाइट लाइट होता जा रहा है। सो यू कैन टेक अ लुक, लाइक बहुत ही ईजी तरीका है अपना आई मेकअप करने का। अगर आपको बहुत हाई फाई मेकअप नहीं करना है, बहुत सिंपल सा मेकअप करना है, तो आप ये ट्रिक जो है ट्राई कर सकते हो, अगर आपको दो चार ब्रशेस की हेल्प से फटाफट मेकअप करना है। तो सेम प्रोसेस जो है वो मैं सेकंड आई पर रिपीट कर लूँगी, सिर्फ अपनी लिड पर कलर प्लेस करो धीरे धीरे करके, स्लो मोशंस में एंड सर्कुलर मोशंस में अपने कलर को ब्लेंड करते जाओ एंड यू आर गुड टू गो। इसके ऊपर अगर आप चाहो ना तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, अगर आपको सिर्फ मैट मैट लुक चाहिए आप इसके ऊपर शिमर्स लगा लो, ग्लिटर्स लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो। ये करने के बाद ना मैं क्या करूंगी, अच्छे से थोड़ा बहुत जो एजेस है उनको क्लीन करके मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी एक कलर प्लेस कर लूंगी, पूरा अंदर तक नहीं सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पर करूंगी, ठीक है। ये करने के बाद ना मैंने यहाँ पे क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया था ताकि अगर कुछ हार्श एजेस है थोड़े बहुत बचे भी होंगे ना तो फ्लफी ब्रश की हेल्प से वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। एंड क्योंकि लोअर लैश लाइन पर मैंने कलर प्लेस करके छोड़ दिया था तो एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं उसको ब्लेंड कर लूंगी ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ा सा ब्लेंडेड आउट लगे। ये करने के बाद ना इसी वाले जो पैलेट में ना एक सिल्वर कलर था, जैसे मैंने आपको अब बताया एक लाइट पिंक था, एक डार्क पिंक और एक सिल्वर, तो सिल्वर कलर मैं यहाँ पे पिक कर लूंगी बिकॉज पिंक अगर लगाती हूँ ना तो बहुत ज्यादा नोटिस नहीं होता, तो यहाँ पे सिल्वर कलर मैंने पिक कर लिया था अपनी फिंगर की हेल्प से एंड मैं इसको अपनी पूरी की पूरी आईलेट पर प्लेस कर दूंगी। अगर आप चाहो तो सिर्फ इनर कॉर्नर्स या फिर अपनी 1/3 आईलेट तक अप्लाई कर सकते हो, बट मैं पूरी पे ही लगा रही थी, मतलब सिर्फ मैंने आउटर कॉर्नर थोड़ा सा छोड़ दिया था, ठीक है। एंड ना साथ ही साथ जो अपना लोअर इनर कॉर्नर है ना वहाँ पे भी मैं अप्लाई कर लूंगी, इससे आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईज में, आपकी आईज ना बहुत ही ज्यादा ओपन अप लगती हैं। अगेन हम वापस से दूसरी आई पे भी सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट कर लेंगे एंड जो अपनी लोअर इनर कॉर्नर्स है उस पर भी अप्लाई कर लेंगे। देन ना मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ एक काजल थोड़ी स्मोकी आई के लिए, ये है स्विस ब्यूटी का आई डिफाइनर ऑटो काजल, ऐसे करके कुछ नेम है। तो मैं क्या करूँगी ना, मैं पूरा आई लाइनर की तरह तो अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ बाहर बाहर की तरफ इस तरीके से आई लाइनर आप मैसी सा क्रिएट कर सकते हो बिकॉज हमने वैसे भी इसको स्मज ही करना है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा विंग बनाकर लगा लूँगी एंड देन एक स्मजर ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मज आउट कर दूँगी।
चाहिए। तो मैं क्या करूँगी ना, जैसे जैसे मैं इसको स्मच करती जा रही हूँ, जो प्रोडक्ट ब्रश पे रिमेनिंग होगा, हमने पूरा इनर कॉर्नर्स तक नहीं लेके जाना, आउटर आउटर तक ही रखना है, उसको मैं थोड़ा सा अपने आउटर वी पर भी धीरे धीरे ब्लेंड करती जाऊँगी। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा हमारा आउटर वी जो है, आउटर कॉर्नर जो है, वो थोड़ा सा स्मोक्ड आउट लगेगा और हमारा जो आई मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्मोकी और थोड़ी डेप्थ भी आ जाएगी। सेम चीज़ हमने सेकेंड आई पे भी रिपीट कर लेनी है। सबसे पहले काजल को ब्लेंड करते जाओ एंड देन जो आपका आउटर कॉर्नर है उसको आप धीरे धीरे इस तरीके से ब्लेंड आउट कर सकते हो ताकि आपको एक डेप्थ मिल जाए आपके आउटर कॉर्नर्स पे। देन ये स्विस ब्यूटी का आई लाइनर पहने है, इसके ऐसे मैं एक विंग आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा विंग भी चाहिए, तो दोनों आईज पे मैं अपना विंग आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी एंड देन स्विस ब्यूटी के ही ये मस्कारा से मैं अपना मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको लैशेज को थोड़ा सा कर्ल कर लेना है, देन मस्कारा अप्लाई करना है, इससे ना आपकी लैशेज बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने लग जाती है। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगी ना, ऑफ कैमरा नहीं, पहले हम एक काम करते हैं, पहले लिपस्टिक लगा लेते हैं, ठीक है? तो वही जो सेम पैलेट था उसी में से मैं लिपस्टिक ले लूँगी। बेसिकली पहले मैंने एक लिप शेड पिक किया, उसको अपने लोअर लिप पे लगाया, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कलर बहुत अच्छे से नहीं जा रहा था इस वाले लुक के साथ, तो अपर लिप पे ना मैंने 2 shades लाइटर शेड अप्लाई किया था, पीची सा, उसको अपर लिप पर अप्लाई कर लूँगी। मैं वैसे फिंगर की हेल्प से कर रही थी बिकॉज थोड़ा सा ना सॉफ्ट लुक आता है फिंगर की हेल्प से। तो मैं क्या करूँगी, दोनों को मिक्स कर दूँगी ताकि मिक्स होकर अच्छा से यहाँ पे शेड फॉर्म हो जाएगा। ये कर लेने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो लिप कलर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब ऑफ कैमरा हम अप्लाई कर लेंगे आई लैशेज और ये रहा हमारा फाइनल लुक। गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।